Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome back once again. अब continue करते हैं हम control structure को. आज हम चर्चा करेंगे for loop के बारे में. तो जिस तरह से पहले हमने while और do while loop पढ़ा, उसी के बाद ये for loop है. इसका प्रयोग भी block of statement को हम repeat करवाने के लिए करते हैं C++ program के अंदर. इस लूप की खास बात यह है कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि लूप कितनी बार चलेगा. इसका स्टार्ट पॉइंट भी हमें पता है और एंड पॉइंट भी हमें पता है. जहां हमें यह निश्चित हो कि पर्टिकुलर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, वहां पर हम फॉर लूप का यूज करेंगे. कई बार इसको हम व्हाइल लूप के शॉर्टकट के रूप में भी प्रयोग करते हैं. व्हाइल के अंदर जहाँ इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीन अलग अलग जगह प्रयोग होता है, वहीं पर फॉर लूप के अंदर ये एक ही लाइन के अंदर लिखा जाता है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इसका वही है जो व्हाइल लूप का फ्लो चार्ट है, जो पहले हम व्हाइल लूप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. तो यही वो सेम एग्जांपल है जो हमने व्हाइल लूप में डिस्कस किया है. इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ. इसके बाद देखिए सब सिंटैक्स पे हम स्ट्रेस देते हैं. सिंटैक्स में ये देखिए कि फोर सबसे पहले लिखेंगे फोर, फिर उसके बाद यहाँ इनिशियलाइजेशन यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. ठीक है, सेम लाइन में फिर सेमी कॉलन लगा के फिर टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी टर्मिनेटिंग कंडीशन है, कंडीशन भी हम इसी लाइन में लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी मूव फॉरवर्ड करने के लिए हम इसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड करने के लिए ये इसी लाइन में यानी इनिशियलाइजेशन कंडीशन और इंक्रीमेंट ये तीनों हम एक ही लाइन के अंदर देंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस के अंदर इसमें हम केवल बॉडी ऑफ लूप यानी जो स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो वही स्टेटमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे. ठीक है, तो ये हमारा इसका सिंटैक्स है. तो चलिए इसको एक वही सेम एग्जांपल के साथ देखते हैं. C इज इक्वल टू 1, C लेस देन इज इक्वल टू 10 यानी C इज इक्वल टू 1 ये आपका इनिशियलाइजेशन, C लेस देन इक्वल टू 10 ये आपका टर्मिनेटिंग पॉइंट, C प्लस प्लस यहाँ प्लस प्लस का प्रयोग किया गया. प्लस प्लस का ऊपर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में आपको बताया था C इज इक्वल टू C प्लस 1 या C प्लस प्लस 1, C प्लस प्लस ये एक ही बात है, इसलिए कोई इसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो ये आपका बॉडी ऑफ लूप के अंदर ये देख लीजिए हमने इसमें C को प्रिंट करवाया है, है ना. चलिए इसको हम C++ के माध्यम से आपको करके दिखा देते हैं एक बार. ये भी 4demo के नाम से 4d के नाम से ये मैंने सेव किया है भी, है ना. 4demo देखिए, void integer c clrscr ये 4 c is equal to 1 c less than equal to 10 और c plus plus यहाँ पर ये आपका प्रिंट यानी सी आउट सी ये करवाया हमने न्यू लाइन और ये गेट सी एच. ठीक है, ये वही कोड है जो भी मैंने आपको स्लाइड पे दिखाए हैं. देखिए कंपाइल और ये सेम रिजल्ट है. यही रिजल्ट मैंने आपको वाइल्ड वाइल्ड में भी दिखाया था और फोर में भी यही सेम है, यानी तीनों का हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. इसमें भी आप जैसे मान लो आपने कोई नाम रिपीट करवाना है तो नाम रिपीट करवा सकते हैं, यानी कोई भी स्टेटमेंट जो रिपीट करवाना है वो लिख सकते हैं. देखिए नाम 10 बार इसने रिपीट कर दिया है. तो इस प्रकार हमने व्हाइल डू व्हाइल और फॉर लूप का डिस्क्रिप्शन देखा है. उम्मीद करता हूँ ये डेमोंस्ट्रेशन आपको पसंद आया होगा. धन्यवाद.